एक आदमी एक महात्मा के पास गए और जाकर कहा कि महाराज भजन में मन नहीं लगता है, क्या करूं, दुनियादारी में मन बहुत लग रहा है, भजन में मन नहीं लगता। आप लोगों का इतना मन कैसे लग जाता है भजन में? हमें तो घंटा दो घंटा में भी बोरिंग शुरू हो जाती है, मन इधर उधर, जब देखते तब भजन, जब देखते तब भजन, कैसे लग जाता है। महात्मा जी समझ गए। महात्मा जी ने कहा देखो ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, तुम कुछ दिन के मेहमान हो। क्या सच में? बोले हाँ, सच में हाँ। बोले सिर्फ दो दिन बचे हैं। कितने दिन? दो दिन। बोले महाराज दो दिन में मृत्यु हो जाएगी? हाँ। अब तो पूरी तरह से डर गया, भयभीत हो गया, जैसे तैसे महाराज से छुट्टी लेकर अपने घर आया। घर में उसने सबको बुलाया, पूरे परिवार जब एकत्रित हुए तो सबके सामने उसने कहा कि देखिए मैं अब सिर्फ दो दिन का मेहमान हूँ। पूरे परिवार को बुला करके सबको सबसे क्षमा याचना कर लिया, लेना देना जो था पूरा कर लिया, भोज भंडारा करके खूब भजन किया उसने। अब तो भाई भजन ही करना है, दो दिन का ही मेहमान है हम, खूब भजन किया उसने। लेकिन दो दिन के बाद जब वो मरा नहीं तो वो वापस महात्मा जी के पास गया। बड़ा पसीना पसीना था। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, क्या महाराज आपने तो हमारा जीवन खराब कर दिया। बोले जीवन खराब कर दिया? कैसे खराब कर दिया? क्योंकि हमको तो सांसत ले आ गई, हमको लगा कि हम मर ही जाएंगे। अच्छा ये बताओ ये दो दिन के अंदर तुमने कितना पाप किया? कितना पाप किया? बोले एक भी नहीं। कितना झूठ बोला? बोले एक भी नहीं। तो कितनी लड़ाई झगड़ा की? एक भी नहीं। तो क्या किया? बोले करना क्या था, खूब दान पुण्य किया, खूब भजन किया हूं, खूब भजन किया हूं। बोले कि बोरिंग नहीं हो रही थी? बोले नहीं महाराज बिल्कुल नहीं हो रही थी, अहर्निश भजन किया। बोले इतना क्यों किया, इतना क्यों किया? बोले महाराज जब हमको पता है कि हमको मर ही जाना है तो भजन नहीं करे तो करे क्या। बोले बच्चा तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर था, तुमने पूछा था कि आप इतना भजन कैसे कर लेते हैं, हमको भजन में मन नहीं लगता है। समझ गए ना, यही है भजन का मूल रहस्य, यही है। और सच बताएं सबके पास दो ही दिन है, एक आज और एक कल, लेकिन बस याद ही है। यदि नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, है ना, दो ही बातों का ध्यान रखना है, एक अपनी मृत्यु याद हो जाए और एक भगवान याद हो जाए, बस हमेशा भगवान का ध्यान होगा, हमेशा होगा।